हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जी अनमोल एंड जी अनमोल सिनेमा के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ क्या डीडी फ्री डिश पे दोनों चैनल फिर से वापस आएंगे, क्या डीडी फ्री डिश पे ये चैनल अगले ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ क्या डीडी फ्री डिश पे जी अनमोल एंड जी अनमोल सिनेमा चैनल लॉन्च होगा या नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों बता दूं, अभी तक तीन चार जो ई ऑक्शन हुआ उसमें जी अनमोल और न ही जी अनमोल सिनेमा इस चैनल पार्टिसिपेट करा था ई ऑक्शन में, क्योंकि जी के सीईओ का मानना है कि जी अनमोल और जी अनमोल सिनेमा को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि जी अनमोल और जी अनमोल सिनेमा जब डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे चलता था तो काफी इसके एड रेवेन्यू इनको काफी ज्यादा मिलता था, इनको काफी एड से बेनिफिट होता था। बट राइट नाउ उनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे जी के चैनल नहीं देना चाहते हैं, जी अनमोल और जी अनमोल सिनेमा को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जी अनमोल जो चैनल है कि हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल था। आप देखेंगे कि मैक्सिमम केबल टीवी या डीटीएच के प्लेटफॉर्म में एंटरटेन में चैनल दिखाया जाता है। और साथ ही दोस्तों बता दूं जी अनमोल सिनेमा है वो भी काफी अच्छा मूवी का चैनल है, इस पे मूवीज हिंदी मूवीज आपको जनरली देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल जो जी की तरफ से प्रेस रिलीज हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जी अनमोल और जी अनमोल सिनेमा को डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे दोबारा नहीं लेके आएंगे चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। दोस्तों ये सभी लोग बता रहे हैं कि प्रेस रिलीज में बताया गया, लेकिन क्यों नहीं लेके आएंगे मैं इसके पीछे एक लॉजिक आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों आपको हाल ही में पता होगा कि डीडी फ्री डिश और डिश टीवी के बीच में काफी लफड़ा चल रहा है। मैं बता दूं, डिश टीवी, सिटी केबल और जी नेटवर्क एक ही मालिक का है, यानी कि एक ही कंपनी के एक ही आदमी का ये कंपनी है, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का ही ये तीनों कंपनी है, डिश टीवी भी है, जी ब्रॉडकास्टिंग भी है और सिटी केबल भी है। तो दोस्तों अगर पहले तो इनका फ्री डिश के साथ नाम लिख लेकर लड़ाई चल रहा है, उसके बाद डीडी फ्री डिश पे अगर जी अनमोल और अनमोल सिनेमा चैनल दे देते हैं तो उनकी और ज्यादा टीआरपी हाई हो जाती है, डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर और बढ़ते जाएंगे। इस वजह से भी हो सकता है कि जी फ्री डिश को चैनल देना नहीं चाहता है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जी के प्रेस में कि आने वाले टाइम पे जी अनमोल और जी अनमोल सिनेमा को कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे उसकी भी टीआरपी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आ रहा था दोस्तों, उम्मीद है अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।